जय हिंद दोस्तों। और आज हम आए हैं हमारे यहाँ पर दमुन खुर्द, दमुन कला। और यहाँ पर शॉप है, और मैं आज के कम से कम 6-7 दिन पहले भी आया था, और जब हम यहाँ पर इसको देख के गए थे परंतु हमें नहीं मिला और लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए वजह से हम उसको पकड़ नहीं पाए। और आज फिर इन्होंने सबने देखा है सांप को और मेरे पास आए अभी अभी 10 मिनट पहले देखा। और हम आए हैं लगभग रात के 8 के लगभग बज रहे हैं, और सर्दी का मौसम है, और आज 15 दिसंबर 2021 और हम सेवा दे रहे हैं यहाँ पर। और भाई साहब मुझे गाड़ी से लेने पहुँचे हैं, क्या नाम भाई साहब का? हेमराज गुजर। हेमराज जी गुजर। और आपके साथ कौन थे वो सर? ये भैया, क्या नाम था आपका? राम अवतार जी। राम अवतार जी ये मेरे साथ आए हैं, और सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग, और हमारे देश के किसान अधिकांश गाँव में रहते हैं और बड़े भोले भाले सीधे साधे लोग होते हैं। और इनके बीच में आ गया है माधोपुर में हमारी जो मुहिम काम कर रही है, और लोग बाग अब सांप गोरों को नहीं मारते, वो जान चुके हैं कि पर्यावरण मित्र है और हमारे इकोसिस्टम में इनका बड़ा तगड़ा रोल है। तो हम अभी दिखाते हैं आपको सांप भी कैसा है कैसा नहीं है, मैंने देखा नहीं है, इन्होंने देखा है, तो हम आपको निकाल के दिखाते हैं। और ये जगह है जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको, ये नाड़ है, और ये नाड़ के नीचे इनका स्टोर है, और स्टोर में यहाँ पर ये बैठा हुआ है, देखिए कोबरा, जिसे कहते हैं कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, बहुत सुंदर नाग है। और हम इसको लेके चलेंगे और हम दिखाते हैं आपको रेस्क्यू इसका। अरे पकड़ लिया आपको, कमांडर ने पकड़ लिया दोस्तों। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जिसे हम भारतीय नाग बोलते हैं, और हमने इसको कैच कर लिया और दिखाते हैं। आओ जैसे ये गांव वाले डर, अल्लाह मत बचाओ, कोई नहीं, अल्लाह मत बचा दिया, अल्लाह मत बचाओ, क्योंकि अल्लाह मत जाने करती है ये पत्ते गोली हम कम। दोस्तों यही है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और ये कम से कम एक हफ्ते से इनके घर के अंदर है नाड़ के नीचे। बहुत सुंदर सांप है, वेरी नाइस। इस उम्र में पहुंचने के लिए इनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और हम इस परिवार को मेरे YouTube चैनल स्नेक कैचर रणथंबोर सवाई माधोपुर की तरफ से, और पूरी टीम की तरफ से, पूरे वन विभाग की तरफ से, और पूरे पर्यावरण की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इन्होंने इस जीव को बचाया, क्योंकि ऐसे जीवों को देखते ही मार दिया जाता है। बहुत सुंदर, इस उम्र में पहुंचने के लिए इनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। धन्यवाद यार, ये देखो जेंडर ऑफ जाते, और ये देख पता नहीं कावड़ा स्टाइल देख रहा है, वो चाबी हमारी चीज है, लॉक कर दिए कहीं, लॉक कर दिए, लॉक कर दिए। भाई साहब इसको पकड़ने के लिए मेरे को आज 19 साल हो गए, जब पकड़ता हूँ मैं इसे, सन 2002 से मैंने अभियान छेड़ रखा है इनको बचाने के लिए, ये जीव जंतु को बचाने के लिए 2002 से हम प्रयास कर रहे हैं। और ये आजकल हमारे सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में आसपास के सभी गांव वासी जागरूक हो गए हैं, किसान हमारे जो देश के अन्नदाता हैं, और उनके ही जीवन को दुरुस्त रखने के लिए जीवन जीता है, क्योंकि चूहों की आबादी को यही नियंत्रण रखता है, और खासकर इसके जहर से काफ़ी तरह की दवाइयाँ निर्मित होती है। और ये बड़ा प्यारा सांप है, हम चाहेंगे कि ऐसे सांप हमारी पृथ्वी बने रहें। नहीं नहीं छोड़ मत, दीजिए मारे ऊपर आ जाओ अचानक ही। मेरे को बुलाया ना आपने, ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। जब बोलियो दांत फाटे, जब रुक रहा, अल्लाह मत बताओ, अल्लाह मत बताओ।
क्या शॉप है यार, देखो ये तो मिलता ही बहुत कम है, अब तो दुनिया में इनकी कमी हो गई है। दोस्तों बड़ा सुंदर सांप है और बहुत ही शानदार है और लगभग इसकी 4 से 4.5 फीट लंबी लेंथ, काफ़ी लंबी लेंथ है और बड़ा सुंदर सांप है देखिए। और सर्दी के मारे ये थोड़ा दिक्कत में आ गया है और इस सांप का अंदाज़ा ये है कि ये लगभग मेरे हिसाब से 13 से 14 साल का है और काफ़ी व्यस्क है और काफ़ी बड़ा है और ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोग वहाँ खड़े हुए हैं इसको देखने के लिए। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो मेरे दोस्तों हम इसको लेके चलते हैं, काफी अच्छा सांप है, ठहरा गया है क्योंकि सर्दी का मौसम है, ये डिहाइड्रेशन में चल जाते हैं और इनको दिक्कत हो जाती है और ये ठंडे खून के प्राणी होते हैं। पर तो सर्दी का मौसम है, दिसंबर चल रहा है, 15 दिसंबर हो गए हैं और पता नहीं कैसे आ गया है, क्योंकि नहीं तो ये सब जमी दोस्त हो जाते हैं और क्या कहते हैं अपना 3-4 महीने का जो जीवन काल है वो धरती के अंदर ही रह के बिताते हैं और ये फिर उसके बाद में मार्च बाद ही निकलते हैं। तो पता नहीं कैसे निकल गया है, ये इनके मकान में था कम से कम 1 हफ्ते से, हमने इसको रेस्क्यू कर लिया और हम इसको लेके चलते हैं। बड़ा प्यारा सांप है देखिए, बहुत सुंदर सांप और बड़ा ही बेहतरीन है, तो हम इसको लेके चलते हैं। रख लेगो तो पागल की नहीं बात करे छे। अब आरी की जानकारी दो दिन तो गुरु जी, अब तक से चले के खा हो चुका हो क्या लोग यल्ला इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा जिसे हम भारतीय नाग बोलते हैं, हमने दमून जगन्नाथ जी गुजर साहब के यहाँ से हमने इसको रेस्क्यू किया है और पुनर्वास हेतु इसको रणथंभौर के जंगल में छोड़ देंगे। और अभी टाइम कितना हुआ भैया? 9:15 हो गए, काफी टाइम हो गया है और हम इसको जहाँ तक है सुबह ही रिलीज कर देंगे क्योंकि इस समय रात को जंगल में हम इसको छोड़ते हैं तो ये इसकी जगह ढूंढ नहीं पाएगा और हो सकता है कि रात को कोई भी जीव इसको मार दे, जैसे उल्लू है हमारे यहाँ पर, क्या कहते हैं बाज है और भी कई निशाचर जाति के कई जीव जंतु हैं जिसको मार सकते हैं, बिज्जू वगैरह। तो हम इसको सुबह रिलीज करेंगे, बाकी हम ऐसे जीवों को तुरंत पकड़ते ही रेस्क्यू करते ही रिलीज करते हैं क्योंकि बंदी अवस्था में किसी जीव को रखना सही नहीं है, ये जीव विचरण करने वाले हैं, इसलिए हम इससे माफ़ी मांगते हुए, कुदरत से क्षमा मांगते हुए हम इसको सुबह ही रिलीज करेंगे पहली धूप के साथ में और जिससे इसको ऐसी जगह रिलीज करेंगे जहाँ पर इसका बिल वगैरह हो, ये शांति से बैठ सके। तो मिलते हैं इसकी बिल्डिंग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम। ये थोड़ी बहुत जय हिंद दोस्तों, और आ गए हैं हम जंगल रणथंभौर अभयारण्य टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क और साथ में लेके आए हैं इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा जो हमने देर रात कल 15 दिसंबर 2021 कल रात को हमने इसको हमारे दमून खुर्द से पकड़ा था और उनके कम से कम 7 दिनों से, वो बता रहे थे 7 दिनों से नाड़ के नीचे बैठा हुआ था। पहले भी हम जाके आए परंतु हमको मिला नहीं, रात भी हो गई थी और लाइट भी गई हुई थी इस वजह से, और कल मैं अकेला ही गया, हमारी पूरी टीम नहीं थी क्योंकि हमारी पूरी रेस्क्यू टीम रणथंभौर रोड पे कोई रेस्क्यू करने गई थी और हमारे रेस्क्यूअर समीर अहमद के साथ में उनके नेतृत्व में पूरी टीम वहाँ गई हुई थी। हालांकि इस समय सर्दी का माहौल है और सांप वगैरह जल्दी से एक जगह सेट हो जाते हैं, छुप जाते हैं, तो उनको वहाँ पर मिल नहीं पाया और वहाँ पर हमने इसको रेस्क्यू कर लिया और हम लेके आए हैं। और हमने रात को इसको इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि हमारे माधोपुर में अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है, आज 16 दिसंबर 2021 हो गया है
तो काफ़ी अच्छी सर्दी है, तो इसलिए हमने इसको रिलीज नहीं किया रात को, क्योंकि ये ठंड से मर सकता था, ये क्या कहते हैं परेशान हो सकता था, और भी कई जंगली जीव इसको मार सकते थे। तो हम लेके आए हैं, अब धूप निकल गई है, लगभग 11 से 11:30 बज गए हैं, तो हम लेके आए हैं इसको और अब दिखाते हैं आपको इसकी रिलीजिंग। आओ, और आज मेरे साथ आ गए हैं वंश शर्मा और हमारे रेस्क्यूअर समीर अहमद, दिखाओ इनको। समीर अहमद आए हैं और पंडित जी भी आए हैं, हमें पुरुषोत्तम जी जो हिंडोन से खासकर ये रेस्क्यू देखने आए हैं, रिलीजिंग देखने आए हैं। पहले भी एक रिलीज रेस्क्यू में मेरे साथ थे ये, तो आओ दिखाते हैं वो उल्टी स्नेक था। आओ, तो दोस्तों हम जंगल के अंदर काफ़ी अंदर तक आ गए हैं और इसकी महफूज जगह हमने ढूंढ ली है, और यहाँ पर ये बिल भी काफ़ी सारे हैं और ये इसमें शरण ले लेगा, तो हम इसको छोड़ते हैं। तो नागराज आ जाओ, हमने आपको सारी रात घर पे रखा और बड़ी सर्दी थी, तो हमने इसको बढ़िया रजाई गद्दों में रखा बढ़िया ढंग से, जिससे इसको गर्माहट रहे, और बढ़िया मसंद वगैरह तकिए वगैरह लगा दिए थे इसके चारों तरफ और बढ़िया रजाई रख दी थी। रात भर हमने इसको तरीके से रखा, इसका ध्यान भी रखा पूरा, और अब हम धूप खिलने के अनुसार हम इसको ले आए हैं। बड़ा प्यारा शाम है, दिखाओ पास में, देखो आप बहुत तरीके से बैठा हुआ है, और हम इससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आ जाओ भैया नागराज बाहर, और आप आ जाइए, देखो पास से दिखाओ जी तरीके से दिखाओ इसको, और ये जायज़ा लेगा जब ये बाहर आएगा, और इसकी आँखें हैं जो बड़ी ज़बरदस्त आँखें हैं, देखिए आप सोच समझ के ही निकल रहा है, देख रहा है बाहर का वातावरण बहुत सुंदर, वेरी नाइस। उपाट सुन सकते हो आप इसकी, बहुत बढ़िया। निकलो नागराज आ जाओ बाहर, कल तो फटाफट तो इसमें आ गई है, तो बामू की तरफ करते तुम यार, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। क्या है धूप में, थोड़ा धूप में जान आएगी इसके अंदर, बहुत सुंदर, वेरी बिग साइज और शानदार ही है ये, बहुत शानदार, देखिए आप वेरी बिग साइज। पुपाट बड़ी जबरदस्त पुपाट है, देखो आप, समीर भाई बैठे हैं सामने और नाग समीर भाई के साथ में है, और ये वंश शर्मा भी आ गए हैं हमारे, और बड़े रुबाब के अंदर है। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। नागराज हम तो आपको छोड़ने आए हैं आपके पर्यावरण में, जिससे आप घूमो फिरो आनंद लो और आपका जीवन जी सको आप, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। लेंथ भी अच्छी है यार, है समीर भाई, बहुत सुंदर। हाँ देखो अब ये अपने रुबाव में आ गया है पूरी तरह से। हम मिलवाते हैं आपको पुरुषोत्तम जी से, या हिंडोन से खासकर रेस्क्यू और रिलीजिंग देखने आए हैं। तो आपने कोबरा देखा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार देख रहे हो आप इतने पास से? पहली बार। और हमारे रणथंभौर का जंगल? जंगल भी पहली बार। पहली बार, बहुत अच्छी बात है, और बड़ा सुंदर सांप है, बहुत अच्छा। पहले आप मेरे साथ उल्स स्नेक के रेस्क्यू में गए थे, रिलीजिंग में भी मौजूद थे आप? जी जी गया था, और आपका अनुभव बहुत बढ़िया रहा। और ये हमारे पुरुषोत्तम जी हैं, खासकर हिंडोन से आए हैं, तो हम इनको धन्यवाद देंगे कि ये आए वहाँ से, और हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया भी करेंगे। ठीक है सर, पुरुषोत्तम जी थैंक यू। दोस्तों हम इसको लेके चलते हैं, दिखाओ इसको, और हमने बिल देखा है, देखें अगर इसमें सेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम इसको लेके चलते हैं। जाओ नागराज और देख लो, अगर ये इसमें मजा हो तो आप देखो, और जा रहा है ये, जाओ
और मिलेंगे फिर कभी जिंदा रहे तो। काफी बड़ा है मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम और हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा चैनल एक ही बिना पे काम करता है, जियो और जीने दो। दुनिया में शांति का पैगाम भी यही होना चाहिए और हम इसी बिना पे लगे रहते हैं। हमारी पूरी टीम जद्दोजहद करती रहती है इन जीवों को बचाने के लिए, क्योंकि ये जीव संकट में प्रजाति बन चुकी है। बाकी हमारे सवाई माधोपुर में ये बहुत अच्छी बात है कि लोग बाग समझ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और जहाँ पर भी सांप गोरे कहीं निकलते हैं तो हमें टेलीफोन के माध्यम से अवगत कराते हैं। समीर अहमद के को बोलते हैं, मुझको बोलते हैं, और यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे हैं, रेस्क्यूअर हैं, राजवीर सिंह जी हैं, धर्मेंद्र खंडल साहब हैं, पूरा वन विभाग है, तो हम सब मुस्तैदी के साथ लगे रहते हैं। और हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जो हमें इन जीवों के बारे में बताते हैं और वहाँ से रेस्क्यू करा के इनके माहौल में, जंगल के माहौल में छुड़वा देते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि ऊपर वाले उस मालिक ने अगर किसी को जीवन दिया है तो वो सबके लिए है और सबको जीने का पूरा पूरा अधिकार है। तो इन्हीं साफ शब्दों के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही किसी जीव के संरक्षण करते हुए, उसकी मदद करते हुए, उसकी हेल्प करते हुए, और उन लोगों का डर दूर करते हुए, भय दूर करते हुए, जहाँ पर ये भूले से और भटकते हुए आ जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम।